तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चंदो सीएम सेंटर। ओके, जैसे कि आप सबको पता है, हमने फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद के बाद के हमने टॉपिक देखा था। ओके, लास्ट वाले वीडियो में हमने रोल ऑफ बिजनेस देखा था, मीन्स रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट क्या क्या रोल करता है वो हमने देखा था। ओके, अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, क्या बिजनेस। ये सबसे बड़ा टॉपिक है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले चीज होती है, फर्स्ट चैप्टर में से। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें पूछी जाती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर, इस टॉपिक के साथ। देखो, ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, इसके लिए मैंने बोर्ड पे एक चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की। ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है। ओके, तो वहां पर जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, खाली आपको इसके टर्म्स, इसके वर्ड्स का मीनिंग क्या थे वो ध्यान रखना, बाकी पूरा चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। प्लस अभी आप नोट पैड लेके बैठे तो ये चार्ट एक बार ड्रॉ कर ले तो उधर आपको अच्छे और समझ जाएगा कि में क्या क्या पॉइंट्स और कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस के साथ। बिजनेस, अब फर्स्ट चैप्टर से आप बिजनेस स्टार्ट पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर से हमने अपने फीचर्स पढ़े, कैन फीचर्स पढ़े। ओके, और टाइम पीछे में आपने बहुत सारे पीछे पढ़ी है, उसका ये रिस्क पढ़ा है और प्रॉफिट और पढ़ा है, टू पार्टीज होता है, उस सारी चीज आपने पढ़ी है। ओके, लेकिन उस बेसिक चीज पढ़ी थी, अब थोड़ी और जस्ट बढ़ गई है कि बिजनेस सिर्फ एक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होता, सिर्फ टू पार्टीज नहीं होता, बिजनेस इतना सब होता है। जैसे जो बिजनेस इतना सब होता है काफी इजी है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट आता है बिजनेस। बिजनेस दो चीज में क्लासिफाई होता है, एक होता है इंडस्ट्री में, सेकंड होता है कॉमर्स में। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या फर्क है, आपने बोला कॉमर्स का मतलब बिजनेस ही होता है। ओके, इसका फर्क है, इंडस्ट्री में गुड्स बनते और कॉमर्स में गुड्स बेचे जाते। ओके, तो यहाँ पर इंडस्ट्री के तीन टाइप आते हैं, प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है एंड टर्शियरी आता है। टर्शियरी को हम दूसरा नाम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री के बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, टेरिटरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके, वेल, क्योंकि प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एग्रीकल्चर तो मतलब आपको मालूम है क्या खेती बाड़ी होती है। ओके, देन उसके बाद एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव का मतलब ये होता है कि जहां से लोग खुदाई करके निकलते, एक्सट्रैक्ट करके निकलते। ओके, एयर, सॉइल, ओके, वाटर, ये सब तो नेचुरली मिलता है। ओके, प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये होता है जहां चीजें हमें नेचुरली प्रोवाइड की जाती है, वहां कोई मैनमेड चीज नहीं होती, सब नेचुरल चीजें होती है जो हमें नेचुरल जितनी भी चीजें मिलती है उससे कहा जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर हम पूरा प्राइमरी है, खाली हमें जाकर खेती बाड़ी करनी पड़ती है। ओके, देन उसके बाद एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव जो मिनरल्स होते हैं। ओके, जो अंडर वाटर, वाटर फिशिंग होती है। ओके, अंडरग्राउंड मिनरल्स होते हैं, वो सब हमें नेचर से मिलते हैं, खाली हमें डिगिंग करके निकालना होता है, वो काम हमारा होता है, बाकी सारी चीजें नेचर से होती है, इससे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव। उसके बाद आते हैं जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब तो आप मालूम है जेनेटिक्स। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन एंड ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स को बढ़ाया जाता है। ओके, सो हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ओके, एनिमल हस्बेंडरी के जरिए, ओके, उन्हें बढ़ाया जाता है, तो उससे कहा जाता है जेनेटिक। ये सारी चीजें नेचर में आती है, मीन्स ये प्राइमरी सेक्टर में आती है। ओके, देन उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री, बिल्कुल सही। ओके, अब उसके अंदर भी दो टाइप आते हैं, क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वन एंड द सेम है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो चीजें प्राइमरी से उठा के सेकेंडरी में लाई जाएगी, मीन फॉर एग्जाम्पल एक वुड कट करके लाया, वुड की जैसे मिलता है नेचर से मिलता है, तो हम उसको कट करके लाएंगे, मीन्स ये हमें कहाँ से मिला, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला वुड। ओके, अब हम लेके जाएंगे इसको फैक्ट्री में, फैक्ट्री में लेके गए इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर करेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ओके, तो इसके जरिए हमें कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, अब हम वुड को कट करके उसका दरवाजा बना सकते हैं, उसके बेंचेस बना सकते हैं, उसके फर्नीचर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम वुड से बना सकते हैं, बिल्कुल सही। ओके, तो उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जब किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाया जाता है उससे कहा जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। देन कंस्ट्रक्शन, वन एंड द सेम, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग, हाउस, ओके, बंगलो, रोड एंड डैम, ओके, यह सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करने को मैंने कंस्ट्रक्ट करने को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, सिंपल है। ओके, ये भी सेकेंड इंडस्ट्री में क्यों आता है, बिकॉज ये जो ये मिनरल्स रहते हैं, ओके, सीमेंट, सीमेंट हो गया, देन उसके बाद जो इनके मिनरल्स रखते हैं उनको पावरफुल बनाने के लिए, वो सब पीछे से आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से आते हैं, इसके लिए ये आ जाता है कंस्ट्रक्शन में। ओके, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार नहीं, हर छोटे छोटे टर्म में समझ के लो, कंटेंट आप खुद से भी लिख सकते हो। ओके, जरा उसको आता है टैक्सरी। अब टैक्सरी के अंदर मीन्स होता है सर्विस सेक्टर, हमें
बिजनेस के अंदर इंटरेस्टिंग किस किस चीज की सर्विस लगती है। फर्स्ट लगता है ट्रांसपोर्ट, लग जाते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस सेक्टर है, हम सर्विस के जरिए हम अपना काम करते हैं। देन उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग में हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें कैश का लेना देना, लोन का लेना देना, ये सब होता रहता है। ओके, उसके बाद होटल, होटल हम जाते हैं खाना खाते हैं। ओके, हाँ हमें सर्विस प्रोवाइड होती है। ओके, जो दूसरे होटल होते हैं बड़े बड़े फाइव स्टार होते हैं, उसमें स्टेइंग का भी रहता है। ओके, स्टेइंग में जब हम वन नाइट टू नाइट थ्री नाइट स्टे होते हैं तो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो होता है सर्विस। ओके, टूरिज्म, जब हम टूरिज्म करते हैं, बाहर घूमते ट्रैवल करते हैं, जब हम टिकट परचेस करते हैं बाकी होगी तो बाहर जाके खाते घूमते फिरते हम पैसे इन्वेस्ट करते, उस पैसे इन्वेस्ट में क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। ओके, देन लास्ट में होता है एंटरटेनमेंट, में आपके मूवी थिएटर और सिनेमा जितने भी सब है यह सब आपके एंटरटेनमेंट है। ओके, इसे कहा जाते हैं सारे सर्विस सेक्टर, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, ये कोई लेते नहीं कोई देते नहीं, खाली आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके बदले आपसे पैसे लेंगे। ओके, तो ये आता है आपका टर्शियरी सेक्टर के अंदर। ओके, तो हमारा एक पार्ट क्लियर होगा, एक पार्ट क्या था हमारा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री, प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिकेशन था, सॉरी कंस्ट्रक्शन था, उसके बाद टर्शियरी के अंदर था हमारे पास ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, एंटरटेनमेंट एंड लास्ट टूरिज्म। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है ट्रेड, एक आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड मीन्स क्या सर, आपने बोला था बिजनेस, ट्रेड का मतलब बिजनेस, बिजनेस ऊपर टॉपिक ही है हमारा। ओके, बिजनेस का मीन्स, अब हम आप बिजनेस कम तक जानोगे, इंडस्ट्री आता है, कॉमर्स भी आता है, लेकिन कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है। ठीक है, बैंक एंड सिनको गुड्स बनाने जैसे। अब ट्रेड के अंदर दो टाइप आ जाते हैं, क्या, एक होम ट्रेड, एक फॉरिन ट्रेड, एक घर का ट्रेड, एक बाहर वालों का ट्रेड। ओके, तो ऐसा समझिए इसको, घर के ट्रेड के अंदर कौन सा ट्रेड आता है, घर के ट्रेड मीन्स होम ट्रेड के अंदर आता है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो होता है जो बड़ी बड़ी बिजनेस करता है, मीन्स बड़े बड़े बिजनेस करता है। होलसेल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई होलसेल बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मार्कर का, ये मार्कर का मेरा होलसेल बिजनेस है। अब जो कंपनी रहेगी जहां से मार्कर बनती मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं उसके पास जाऊंगा बोलूंगा मुझे 100 बॉक्स मार्कर के दे, क्या मुझे रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर 100 बॉक्स दे दे, सबके 100 बॉक्स दे दे, मैं लाऊंगा मेरा जो वेयर हाउस रहेगा, गोडाउन, गोडाउन का मतलब तुम्हें मालूम रहेगा कि वहां पर मैं रख दूंगा, या जेठालाल अपना फ्रिज टीवी रखता है ना वो वाला गोडाउन, गोडाउन होता है, तो वहां पर मैं अपने मार्केट के बॉक्स रख दूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा, मैं जाके पढ़ाऊंगा बच्चों को, ऐसा नहीं, मैं जाके सेल करूंगा, इधर सेल करूंगा, किसको सेल करूंगा, रिटेल को सेल करूंगा, किसको सेल करूंगा, रिटेल को, मीन होलसेलर रिटेल को बेचकर। ओके, ऐसे ही होलसेलर एक बड़ी जगह बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चर से लेते हैं रिटेल को सेल करता है। अब रिटेल तो आपको मालूम है किसको सेल करता है, कस्टमर को सेल करता है, और इसके बारे में और डिटेल में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ये तो सिर्फ बेसिक है, कल दो दो लाइन के आपके अंदर कंटेंट दिए गए और कुछ भी नहीं, दो दो लाइन के आंसर है। ओके, बस यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की ये सारी चीजें होती है। अब और आने वाले चैप्टर में आप इसके अंदर डिटेल में पढ़ोगे, होलसेल क्या होता है, होलसेलर कौन होता है, रिटेल क्या होता है, रिटेलर कौन होता है, सब डिटेल में पढ़ने वाले। ओके, खाली आप एक टर्म समझ लोगे ये टर्म क्या है। ओके, ये तो हो गया, होम ट्रेड का मतलब पता चल गया हमें, ट्रेड शुरू किया था ट्रेड का, हमने होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड देखा था, होम ट्रेड के अंदर हमने होलसेल ट्रेड रिटेल ट्रेड देखा था। वेल, उसके बाद फॉरेन ट्रेड, बाहर गांव का ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट एंटरप्राइज बोलते हैं उसको भी। इम्पोर्ट मीन कुछ भी चीज बाहर से आती है। ओके, यूएस से कुछ भी चीज इंडिया में आई उसकी क्या कहेगा, इम्पोर्ट। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यूएस से अगर इंडिया में आया तो हम कहेंगे इसको, ओके, तो इसको क्या कहेंगे, हम इंपोर्ट कहेंगे, मीन्स हमारे होम कंट्री में आ रहा है, ये है हम इंडिया है हमारा होम कंट्री, बाहर से अंदर आया इंपोर्ट रेट, अगर यहां से बाहर गया तो क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। बिल्कुल सही, हम बोलेंगे इसको एक्सपोर्ट, हमारे से बाहर आ रहा है, मीन इंडिया से गया जापान, इंडिया से गया जापान, क्या पता कुछ तो जाता रहेगा। ओके, इंडिया से गया जापान तो हम उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। ओके, अब बात बचती है री एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट की। अब यहाँ पर तीन कंट्रीज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएस एंड जापान, जब इन तीनों के बीच में ट्रेड होती रहेगा, घूमती रहेगी ना ट्रेड, उससे कहेंगे री एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। और आगे इसके चैप्टर में, और जो आगे का चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में और डिटेल में दिए गए, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझेगा, वहां पर और बड़े बड़े मीनिंग्स में दिए गए। ओके, वेल, ये तो हो गया हमारा ट्रेड।
अब ट्रेड के अंदर हमने क्या देखा था, ये देखा होम ट्रेड, फिर देखा था फॉरेन ट्रेड, घर का ट्रेड और बाहर वालों का ट्रेड। घर के ट्रेड के अंदर कौन कौन थे, होलसेल ट्रेड था, रिटेल ट्रेड था। होलसेल कौन था वो तो पता चल गया, रिटेल कौन था जो नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हमारे छोटे मोटे वो रिटेल होते। उसके बाद फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में जो अंदर आता है उसे इम्पोर्ट कहते, जो बाहर जाता है उसे एक्सपोर्ट कहते। अब जो अंदर बाहर दोनों करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट कहते, री एक्सपोर्ट कहते। वेल यहाँ पे हो गया हमारा स्टॉक। ओके अब उसके कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब समझ दो, जो चीज एक मैन्युफैक्चर से फ्लो होकर फ्लो होकर फ्लो होकर एक रियल कस्टमर तक पहुंचती है, उसके सारे क्या फॉलोइंग पॉइंट्स है, किसके जरिए वो वहां तक कस्टमर तक पहुंचती है, किसके जरिए वो एक मेन जिसको यूजर है, यूटिलिटी जो करता है इस चीज का, कैसे पहुंचती है, ये सारे पॉइंट्स के जरिए वहां तक पहुंचती है, ये सारे फंक्शन उसके अंदर लगते हैं, इसे कहा जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके तो स्टार्ट करते हैं पर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इन इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्चेंट मर्केंटाइल एजेंट्स, देन आता है कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ओके ट्रांसपोर्ट आता है, अब ट्रांसपोर्ट मीन्स आपको मालूम है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी गुड्स को लेके जाने को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। ओके वो चीज का मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, दिल्ली से बन के आ रहा है और खरीदने वाला है मुंबई में, तो दिल्ली से मुंबई आएगा। ओके अब किसके जरिए आएगा, एक मर्केंटाइल एजेंट के जरिए आएगा, कोई तो एजेंट होगा, कौन लगा उसको अपने आप चल के आ जाएगा, कोई एजेंट रहेगा जो दिल्ली टू मुंबई बिजनेस करता होगा उसके जरिए आएगा। ये फ्लो समझो, फ्लो समझो, दिल्ली टू एडवर्टाइज ये मर्केंटाइल करेगा, सॉरी जब दिल्ली से मुंबई कोई प्रोडक्ट आएगा किसके जरिए आएगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा, कौन लेकर आएगा, एजेंट लेकर आएगा। ओके ये पॉइंट क्लियर। अब जब वो लेकर आएगा, ओके कंपनी से जो मैन्युफैक्चर वहां से यहाँ लेकर आएगा, तो क्या आपके भेज देगा जैसे ट्रक मुंबई में उतरा, हाँ भाई आपके ले लो, ऐसा नहीं, वो लाके कहाँ रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा। थर्ड पॉइंट, वेयर हाउस में रखेगा, कहाँ रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा। वेयर हाउस मीन्स होता है आपका गोडाउन, जहाँ सारी चीजें स्टोर की जाती है। अब और आगे वाले चैप्टर मीन्स आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे या फिर आप ट्वेल्थ में ना आप बता दो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, देन कम्युनिकेशन, ये चार पांच चीजों के बाद आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, क्या एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हो। देन एडवर्टाइजिंग और मर्केंटाइल और मर्केंटाइल एजेंट आप हाईएस्ट स्टडी में पढ़ोगे, एडवर्टाइजिंग का जो पूरा सब्जेक्ट ही होता है एडवर्टाइजिंग करके, तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ने वाले हाईएस्ट स्टडी में जाके। और देन मर्केंटाइल एजेंट आप एमबीए करोगे, ओके बीएमएस करोगे, तो वहां पर जाके अच्छे से पढ़ोगे मर्केंटाइल एजेंट और बिजनेस एजेंट, ब्रोकर, ये सब कौन होता है क्या होता है, तो वहां पर आप अच्छे से पढ़ लोगे, डिटेल में पढ़ोगे। आप खाली एक नॉर्मल नाम भी दिया और बस उनका काम बता दिया, ये लोग क्या काम करते थे, यहाँ पर मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके तो फर्स्ट हमने देखा है ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, मर्केंटाइल एजेंट करता है। मर्केंटाइल एजेंट जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो कहाँ रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा। अब वेयर हाउस में रखेगा तो चोरी होने का डर रहता है, हाँ भाई रात, फॉर एग्जाम्पल रात को डिलीवर हुआ, मीन्स जो हमारा माल था वो रात को पहुंचा, अब रात को अब जरूरी नहीं कि गोडाउन सेफ रहेगा 100%, अभी कभी चोरी हो जाती है, हमें उनसे भी सुनने आता है गोडाउन से वेयरहाउस से चोरी हुई है। ओके उसके लिए वो इंश्योरेंस निकलेगा, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस निकलेगा। और बाय चांस कभी कभार रस्ते में आते आते कुछ गुड्स को हो गया तो क्या करके उसके लिए इंश्योरेंस निकलेगा। इंश्योरेंस का छोटा सा मतलब पता होगा कि इंश्योरेंस एक्चुअल में होता है क्या, यह सोच आपको पता रहेगा। ओके और आगे जाके आप उसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हो। ओके देन उसके बाद इंश्योरेंस होगा, ठीक है। वेल अब पेमेंट, पेमेंट की बात आती है। अब सामने वाले को गुड्स चाहिए, यहाँ पे गुड्स यहाँ पर पहुंच गया, अब इसको पेमेंट करने का। अब ऐसा नहीं कि वो फिर से मुंबई से दिल्ली जाएगा फिर कैश लेके आके देगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या करेगा, बैंक के थ्रू ये अपने बैंक से दूसरे बैंक को बोल देगा, जो उसका अकाउंट रहेगा वहां पर बोल देगा इतने का पेमेंट, 1 लाख पेमेंट, 2 लाख पेमेंट ट्रांसफर कर दो। ये किसके जरिए होगा, बैंक के जरिए होगा। तो ये फिर हमारा पॉइंट होता है बैंकिंग, बैंकिंग के जरिए हमारा पैसा ट्रांसफर होगा। ओके देन उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट। ओके एडवर्टाइजिंग, अब मुंबई में प्रोडक्ट है, मुंबई में प्रोडक्ट आया, अब इसको कैसे पता चला प्रोडक्ट आया करके, कैसे पता चला, बिल्कुल से एडवर्टाइजिंग से। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आता है, नया मोबाइल आता है, तब वो कैसे पता चलता है, पेपर में ऐड आता है, फिर ये बड़े बड़े बैनर लगते हैं मेन रोड पर, हाईवे पर बड़े बड़े बैनर लगते हैं, फिर आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सब मैसेज आते हैं, पोस्ट आ जाते हैं कि हाँ ये मोबाइल आने वाला है, ये मोबाइल इस डेट को रिलीज होने वाला है। और फ्लिपकार्ट पहले से ही अपने को, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जितने भी बड़े बड़े डीलर्स, ऑनलाइन डीलर्स है, वो ऑलरेडी हमें मैसेज डालते हैं, मेल करते हैं कि नया मोबाइल आने वाला है, आपको लेना है तो आप रेडी रह जाइए, हमारे हमारे शॉपिंग सेंटर पर आपको मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके देन उसके बाद
अमेरिकन नेचर मैंने बता दिया। उसके बाद फिर आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी जरूरी है। ओके, अब मुंबई से दिल्ली प्रोडक्ट आया है तो मुंबई वाले ने दिल्ली वाले को कम्युनिकेट किया रहेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, ठीक है तो मुझे भेज दो। तो ये हो गया सारा प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस आपको समझ गया। ओके, मैं पहले आपको एक लाइन से लिख देता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला था। फर्स्ट मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बोला था। उसके बाद मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, मर्केंटाइल एजेंट करेगा, मर्केंटाइल एजेंट करेगा। देन उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट लेकर तो आएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए लेकर तो आएगा, लेकिन रखेगा वेयर हाउसिंग में, रखेगा वेयर हाउसिंग में, वेयर हाउसिंग में रखेगा। देन उसके बाद वेयर हाउसिंग में रखने के बाद तो चोरी का डर होगा, तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, इंश्योरेंस निकालेंगे। इंश्योरेंस निकालने के बाद अब पेमेंट की बारी आएगी, माल तो पहुंच गया, सुबह होगी कि अब उसको पेमेंट करेगा, पेमेंट हम कैसे करेंगे, बैंक से करेंगे, बैंक से करेंगे। ओके, बैंक से करेंगे, ये बातें यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन मुंबई वाले को पता कैसे चलेगा कि हम प्रोडक्ट आएगा कि हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज लगाएंगे, क्या करेंगे, एड लगाएंगे, एड लगाएंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट में प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, ओके हमें मालूम पड़े प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से फ्लोचार्ट बना सकते हो और भी अच्छे समझ सकते हो, या फिर उसको लाइन में सब हाइड भी कर सकते हो। ओके, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव ट्रेड। अब मैं आपको लास्ट में बताऊं, यहाँ पर अपने सारे प्रोसेस खत्म हो गया है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस है बिजनेस के अंदर, ये तो एक शॉर्ट है, एक टेम्पररी बेस पर दिया गया बेसिक चीजें है। ओके, तो बस यहाँ पर आपको समझने का, और डिटेल में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। ओके, फर्स्ट मैं भी आपको बता देता हूँ कि आंसर कैसे आएंगे आपको एग्जाम से। आपको ऐसे नहीं पूछेंगे डायरेक्ट बिजनेस का पूरा चार्ट लिखो, ऐसा नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर पूछेंगे राइट द फॉलोइंग चार्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फिर राइट द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉमर्स, राइट द फॉलोइंग चार्ट ऑफ योर ट्रेड, राइट द शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूटिव ट्रेड, ऐसे सब बोलेंगे। ओके, तो ऐसे समझ आपको लिखना है, इसलिए आप हर एक ही बाइट कीजिएगा। ओके, याद रखिएगा कि टेबल आप अपने घर के सामने बना कर रख दीजिएगा, जब भी आप आते जाते हो तो टेबल दिमाग में रहेगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज कभी नहीं भूलना दोस्तों। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अदल से बदल सकता है। ओके, लेकिन ये चीज कभी नहीं बदलेगी, ये बेसिस ही थी, हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी और रहेगी और है भी। ओके, तो रहेगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर इधर ही रहेगा, चाहे तो नया आया तो फटे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे टाइम टू टाइम अपडेट और ऐसे टाइम टू टाइम लेक्चर आपको मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।